आज है जी संडे और मौसम भी बहुत ही मज़े का था, तो उठते मैंने मियाँ साहब से कहा कि नाश्ता ही करवा दें अच्छा सा। तो वो हमेशा की तरह मान गए। कहते हैं हमारे घर के पास एक पॉइंट ओपन हुआ, उसका नाम है अंदाज, तो चलें आज वो ट्राई करते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। तो चलें अब बारी है फ्रेश होने की और रेडी होने की। तो फिर जाते हैं अगर बादलों ने हमारे साथ बेवफाई ना की, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बारिश भी आ सकती है। तो चलें रेडी होते हैं। घर से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचे अंदाज पे, और वहाँ उनका अंदाज देख के लग ही रहा था कि साडा अंदाजा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ हम ही दो लोग थे। अब जी हम जाके बैठे ही थे तो खुद को सीधा पता कर ही रहे थे, मियाँ साहब ने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया और 2 मिनट में नाश्ता आ गया। वो जैसे इसी इंतजार में थे कि कोई आए और हम उनको सर्व करें। नाश्ता ठंडा था, कहते जी सिलेंडर में गैस नहीं है, तो बंदा पूछे तुसी रखिया की है, और पुड़ियाँ भी ऑयल से भरी थी और एंड पे आई लस्सी। लस्सी कुछ बेहतर थी बट ओवरऑल नॉट रिकमेंडेड। हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया था, क्योंकि जितना अच्छा मौसम था, जितना अच्छा मुंह लेके हम निकले थे, अंदाज ने सारा अंदाज हमारा बेअंदाज कर दिया। मियाँ जी ने कहा कि ये तुम्हारी सजा है कि अब पूरा माह तुमने बाहर निकलने का नाम नहीं लेना और घर बनाना है, घर खाना है। एक नाश्ता और लस्सी 380 की, और बाकी चार्जेस ऐड करके 600 का बिल बना दिया। बाकी अब हमारा यहाँ से जाना ही बनता था और बिल दे के हम निकले घर के लिए। अब यहाँ से हमारा घर जाना ही बनता था और रास्ते से हमने लिया राशन। मियाँ साहब कहते हैं अब चुप करके पूरा मंथ घर पकाओ तो घर खाओ, बाहर का नाम नहीं लेना, क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।